हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फिफ्थ का पार्ट टू, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, जो है फर्स्ट है, लेकिन इस फर्स्ट में फिफ्थ भी है और फिफ्थ का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या होगा। आर इज थर्ड है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई है, जो क्या है कि एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखिए इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें बोला स्टूडेंट कि एक्स जो है, मान लीजिए एक्स कोई इंसान है जिसका नाम एक्स है। ठीक है, कोई इंसान एक्स है, वो कह रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एक्स वाला पार्ट एक्स है, जो दूसरा इंसान है, मान लीजिए उसके सामने कोई दूसरा इंसान खड़ा है, वो उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसमें, हम क्या करेंगे 20 से एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। टॉलर मतलब हाइट पूछ रहा है इसमें, तो हाइट हम क्या ले सकते हैं, हाइट 20 ले सकते हैं, 20 तो एज हो जाएगा, हाइट क्या ले सकते हैं, हाइट हो जाएगी जैसे हम 120 ले लेते हैं हाइट, या आप 120 बहुत कम हो जाएगा तो आप ले लीजिए 140। ठीक है, 140 ले लिया आपने, मतलब कोई सब एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिए। ठीक है, आप इसमें मतलब हाइट पूछा है तो हाइट 140 होगा या कोई भी होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए वाई का हाइट है 140 है, अब वो कह रहा है कि एक्स का हाइट जो है इससे 7 गुना, इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स की हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा, उसको एक्स की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जब ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे 7 से प्लस कर देंगे इसमें, तो हम 7 से प्लस करके क्या आएगा 147 हो जाएगा, 147 आ गया। ठीक है, आ गया। आप हाइट को भी ले सकते हैं, 130 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, 150, 130 जो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया आप, हो गया ये। तो एक्स का हाइट जो है इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा, तो हम क्या करेंगे 140 में जो भी आप लेंगे एग्जाम्पल, जो भी आप वैल्यू से पुट करेंगे उससे आप 7 से प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अब हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव, अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो कि नहीं, देखिए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव कैसे होगा या नहीं है, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर ज्यादा है वाई से, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है, होती है, लेकिन यहाँ पे है कि एक्स की वैल्यू ज्यादा है, वाई की वैल्यू कम है, है? जब दोनों की वैल्यू सेम होता है तब वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू बहुत डिफरेंस है, कितना डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको रिफ्लेक्सिव पता होगा तो आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर में, एक्स वाई दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो आप लिख दें यहाँ पे कि एक्स एक्स नहीं करेगा बिलोंग्स, क्योंकि एक्स एक्स वैल्यू सेम नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी की वैल्यू 1 2 है, तो बी ए की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू 1 2 है, तो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब ए की वैल्यू 2 जाती है और बी की वैल्यू 1 जाती है। ठीक है, इतना आपको पता सिमेट्रिक क्या होता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो उस इज इक्वल टू में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, 2 1 हो जाता है, 1 2 इज इक्वल टू 2 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक कैसे होगा, नहीं होगा देखते हैं, पता करते हैं क्या होगा। देखिए तो देखिए इसमें सिमेट्रिक होगा कि नहीं, यहाँ देखिए इसमें क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 147, वाई की वैल्यू 140 है। ठीक है, तो एक्स वाई तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये बिलोंग्स करता है, अगर इसका उल्टा बिलोंग्स नहीं करता तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, देखते हैं इसका उल्टा बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। देखिए इसमें इसमें क्या रहा है कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, तो उसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ये तो लिखा नहीं है इसमें, इसमें लिखा क्या है कि एक्स बड़ा है वाई से, आप उसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, y इज टॉलर देन x, तो ऐसे नहीं है, इसमें क्या बोला है कि x बड़ा है y से, y बड़ा नहीं है x से, तो आप क्या करें, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका उल्टा जाता है, तो ये क्या x है y से बड़ा, लेकिन y हमारा x से बड़ा नहीं है, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ऐसा है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा।
एक्स जो है बड़ा वाई से, लेकिन उसका उल्टा करेंगे क्या वाई बड़ा होगा एक्स से? नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्स जो है टॉलर है 7 सेंटीमीटर वाई से। तो आप यहाँ लिख देंगे वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई बड़ा नहीं है एक्स से, तो ये हो जाएगा इट इज़ नॉट। आप यहाँ लिख देंगे कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, डैट्स वाई एक्स वाई बिलोंग्स कर आर में। फिर सेकेंड लिखेंगे, लिख देंगे सेकेंड में लिखेंगे कि वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, तो इट इज नॉट करेक्ट। आप ये लिखेंगे इट इज नॉट करेक्ट, वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, आप इतना लिख देंगे, ठीक है? तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए इसने बताइए ट्रांसिटिव हो कि नहीं। ट्रांसिटिव आपकी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, ट्रांजिटिव आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक वैल्यू लेते हैं, सिमेट्रिक में दो और ट्रांजिटिव में तीन लेते हैं, ठीक है? देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें दो है, लेना क्या हमको एक और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जेड भी बढ़ा लेंगे, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, अब वाई है जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, ठीक है? तो अब जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो अब क्या करेंगे, आपने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी थी तो आपने क्या किया 7 से प्लस किया। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू वाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप क्या करेंगे, जितना वैल्यू मैंने वाई का लिया तो उसमें आप 7 से माइनस कर देंगे। तो 140 में 7 से माइनस करेंगे कितना जाएगा, 10 में 7 गया 133, ठीक है? तो 133 हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव में होता क्या है कि ए बी बी सी और ए सी ये होता है। देखिए इसमें यहाँ पे आप साफ साफ देखिए यहाँ पे कि x बड़ा है y से, ये है तो ये बिलोंग्स करेगा, x हमारा y से बड़ा है तो ये बिलोंग्स कर रहा है, y भी हमारा z से बड़ा है, मैंने अभी बताया कि तो बिलोंग्स करेगा आर में। अब y भी z से बड़ा है, x बड़ा है y से और y भी 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, ठीक है? तो अब ट्रांसिटिव क्या होता है, ए बी हो गया एक्स वाई, ए बी हो गया हमारा, बी सी मतलब वाई जेड बी सी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है? ए सी हो गया मतलब ए और सी में अब देखेंगे हम, तो ए और सी में देखिए स्टूडेंट कि क्या 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, नहीं है, ए और सी बिलोंग्स नहीं करें। कैसे, क्वेश्चन बोला है कि स्टूडेंट्स कि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है ना, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, 7 नहीं है, 7 से दो गुना है, 7 का दो गुना है, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, एक्स एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आप लिख देंगे एक्स एंड वाई बिलोंग्स कर आर, क्योंकि एक्स इज टॉलर देन वाई, और यहाँ पर लिखेंगे वाई इज टॉलर देन एक्स, जेड वाई इज टॉलर देन जेड, एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर देन, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, उसका दोगुना हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा। एक्स क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन ने बोला कि 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गया, उसका दोगुना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका, अरे फोर्थ पार्ट ना, आर इज रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, जिसमें कह रहे हैं एक्स वाइफ है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ठीक है? तो हम देखते हैं रिलेशन, ठीक है? यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, एक्स जो है वाई की वाइफ है, ये वाइफ है और ये इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है? तो हम रिफ्लेक्शन रिलेशन निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बोला है स्टूडेंट क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वाइफ है एक हस्बैंड है, तो एक्स और वाई को दोनों में क्या, एक वाइफ है और ये इसका हस्बैंड है, इसका वाइफ है नहीं, तो वाई तो कैसे होगा स्टूडेंट, जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होती है तब हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक्स वाइफ है और वाई हस्बैंड है, दोनों वाइफ तो है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स खुद का हस्बैंड हो नहीं सकता है, एक्स खुद की वाइफ हो नहीं सकती है, ठीक है? दोनों में क्या है, एक वाइफ है और एक हस्बैंड है, तो दोनों में दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। अगर दोनों वाइफ वाइफ होता तभी रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन क्या है, एक वाइफ है एक हस्बैंड है, तो ये हमारे बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है? तो ये हमारा इट इज़ नॉट, आप ये भी जब जो क्वेश्चन आप वही लिख देंगे यहाँ पे, एक्स एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज, आप यहाँ पे ये लिख देंगे स्टूडेंट कि एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ हर सेल्फ, वो खुद की वाइफ नहीं हो सकती है, ठीक है? एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ये इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब देखिए स्टूडेंट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे होगा स्टूडेंट, एक्स वाई, वाई एक्स जाता है उसको उल्टा जाता है। तो यहाँ देखिए इस पर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, उसका उल्टा क्या होगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। वाई क्या हस्बैंड है, वाई एक्स का वाइफ नहीं हो सकता है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स कर रहा है वाई से क्योंकि एक्स, इसमें क्वेश्चन भी दिया हो कि एक्स वाइफ है वाई की, लेकिन वाई बिलोंग्स नहीं करेगा एक्स से क्योंकि उसका उल्टा जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स, ऐसा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। एक्स या वाई का, एक्स वाइफ है वाई की, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स नहीं है, वाई क्या है, हस्बैंड है। यहाँ बोल क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि यहाँ बोल रहे हैं कि एक्स वाइफ है वाई की, सिमेट्रिक क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो अब हम वाई रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक्स रखेंगे, तो यहाँ पढ़ेंगे हम क्या आएगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक्स वाई है, वाइफ है वाई की, वाई हस्बैंड है उसका, तो उसका उल्टा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाई, वाई तो हस्बैंड है, वाइफ एक्स है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आप लिख देंगे एक्स इज अ वाइफ ऑफ y, that's why x y belongs कर रहा है R में, और y is not wife of, y is not wife of x, तो ये हमारा y x not belongs to R, तो it is not symmetric, ठीक है, आए समझ में स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो कि नहीं, देखिए ट्रांजिटिव में हम तीन वैल्यू की जरूरत होती है, हम यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे z, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट x y की वाइफ है, ये तो सही है, ये हमारा बिलोंग्स करेगा, आप लिख भी देंगे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई और एक्स वाई बिलोंग्स आर, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैंने क्या किया, एक्स वाई इज एक्स वाई की वाइफ है, अब वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, ठीक है, आप लेट कर लेते वाइफ, वाइफ हो गया जेड का, ठीक है। तो ट्रांसिटिव क्या होता है, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ठीक है, तो एक्स वाई की वाइफ है, वाई भी वाइफ है जेड का, ठीक है। तो अब हम क्या ऐसे मैच कर सकते हैं, ए बी बी सी ए सी होता है, होता है, तो ए बी भी हो गया बी सी भी हो गया, अब देखते हैं ए सी होता है कि नहीं। तो एक्स इज अ वाइफ ऑफ जेड क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स जो है वाई की वाइफ है, जेड की वाइफ नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे कि वाई जेड भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन क्या नहीं बिलोंग्स कर रहा है, एक्स जेड, क्योंकि वाई एक्स की, वाई एक्स वाई की वाइफ है, एक्स जेड की वाइफ नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसिटिव। पार्ट थर्ड, इसका पार्ट थर्ड नहीं, फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें बोला है स्टूडेंट कि एक्स इज अ फादर ऑफ, फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो ये देखिए एक्स है और ये वाई है, एक्स क्या है फादर, एक्स इज अ फादर है और ये वाई का, तो वाई क्या है इसमें मेंशन तो किया ना कि लड़का है कि लड़की है, तो यह सन होगा या फिर डॉटर होगी, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव हो कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एक फादर एक सन है, सेम होगी नहीं, तो यहाँ पे एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक्स एंड वाई, एक्स रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फादर एक सन है, सेम है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक हो कि नहीं, एक्स वाई का फादर है, वाई तो एक्स का फादर है नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, सिमेट्रिक क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे वाई पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे, तो वाई इज अ फादर ऑफ, वाई इज अ फादर ऑफ एक्स, नहीं ऐसा नहीं है, फादर कौन है, फादर एक्स ही है, वाई तो सन है या डॉटर है, ठीक है, तो ये होगा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक्स इज अ वाइफ ऑफ, तो एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, ये बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन वाई हमारा फादर, लेकिन वाई हमारा फादर नहीं है, ठीक है, फादर तो एक्स है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे उसने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स फादर है, तो सिमेट्रिक में उसका उल्टा जाता है, एक्स इज, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे आप वाई एक्स करेंगे तो क्या होगा, वाई इज द फादर ऑफ एक्स, वाई तो फादर नहीं है ना, फादर कौन है, फादर तो सिर्फ एक्स है, तो ये हमारा बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव तीन वैल्यू लेते हैं तो एक और हो जाएगा, ठीक है, एक और
ये सन होगा या डॉटर होगा, ठीक है? तो आप देखिए स्टूडेंट क्या होगा, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि ट्रांजिटिव पहले हम ए बी लेते हैं, मतलब एक्स वाई, तो ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई का फादर है, ये बिलोंग्स करेगा। आप ये भी लेट कर लीजिए कि वाई भी फादर है, वाई भी फादर है जेड का, ठीक है, ये बिलोंग्स कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, ए बी बी सी ए सी, ए सी होता है, तो ए सी में देखिए आप कि क्या एक्स फादर है वाई जेड का, नहीं, एक्स क्या हो गया, एक्स तो ग्रैंड फादर हो गया, ये फादर, फिर ये फादर, तो इसका बेटा क्या हो गया, इसका ग्रैंड फादर हो जाएगा ना, ये फादर होगा, ये फादर होगा, तो इसका बेटा इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, ये इसका ग्रैंड फादर हो गया, इसका होगा, तो वाई जेड बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स जेड का फादर नहीं, एक्स जेड का क्या है, ग्रैंड फादर है, तो आप लिखेंगे एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जेड, तो ये हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू, एक्स एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स जेड, एक्स जो है फादर नहीं है जेड का, एक्स क्या है, ग्रैंड फादर है, ठीक है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अगर आपको अभी भी किस वन से, अभी भी आपको वन से फिफ्थ तक कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट का वन से फिफ्थ तक कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इजी वे में, ठीक है। सो स्टूडेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।